रिकॉर्डिंग शुरू है। कल तक जो हमने बात की थी, जो कल मैंने आपको अपना चीजें दिखाई थी, जो कल हम कर रहे थे, उसमें आपको याद होगा कि हमने बीएनयू और बीएनयू में हमने देखा था, हाँ जी, ये हमने कल एक, ये जो मैंने आपसे पहले सेशन पढ़ाया था ना, उसके लिए ये मैंने बनाया था, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये चीजें वन बाय वन करनी है, ठीक है। सबसे पहले इनकम टैक्स करने के लिए जब भी हम टैक्सेशन कैलकुलेट करते हैं, तो या हम रेजिडेंट पर्सन की टैक्सेशन कैलकुलेट करते हैं या नॉन रेजिडेंट पर्सन की टैक्सेशन कैलकुलेट करते हैं, जो भी वो होता है। अच्छा, जो जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम डिटरमिन करते हैं कि वो बंदा जो है वो कौन है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, गवर्नमेंट है, क्या है, एओपी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वो सारा हम पहले डिटरमिन करते हैं। पहले ये चीज डिटरमिन करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, ये पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, फिर उसके हिसाब से हम उसकी टैक्सेशन करते हैं। नॉन रेजिडेंट की टैक्सेशन और है और रेजिडेंट की टैक्सेशन और है, ठीक हो गया। तो रेजिडेंस जिस तरह है कि वो, उसका मतलब यही है कि वो, मतलब उसको हम ये देखते हैं कि वो वहां रिजाइड कर रहा है या नहीं कर रहा इंडिविजुअल के लिए, और कंपनी वगैरह के लिए हम देखते हैं कि उसका ब्रेन या उसकी डिसीजन मेकिंग कहाँ है, कंट्रोल कहाँ पे है, जहां पे उसका कंट्रोल हो एओपी का, कंपनी का, उस हिसाब से फिर हम डिटरमिन करते हैं कि वो कहाँ है। अच्छा, अब मैंने कल जब आपसे बात की थी, तो सबसे पहले हम, अब चूंकि ये चीज पढ़ेंगे, तो सब, जब हम कहते हैं कि पर्सन का हमें पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन पर्सन की पता होनी चाहिए कि पर्सन की डेफिनेशन है क्या। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ये सेकंड जो सेक्शन है, इसमें डेफिनेशंस दी हुई, ठीक है। तो जब हम सेकंड सेक्शन पे जाएंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि जो डेफिनेशंस हैं वो उन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो अरेंज की हुई, ठीक है। इस ऑर्डर में अरेंज की हुई है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ये देखिए, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, तो चूंकि इसमें ये कमेंट्री वाला मैंने खोला हुआ है, ये पहला वाला जो है वन बी एमलगामेशन, ये ए चल रहा है, ठीक है। तो हमने पर्सन देखना कि पर्सन क्या है, कल मैंने आपको दिखाया भी था। तो वैसे पी पे चले जाएं, आपको याद हो उस पे चले जाएं, ऐसे ढूंढेंगे तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, इसलिए हम इसको खींच के नीचे ले जाते हैं। कंट्रोल एफ से मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनकम ईयर आ गया, आई पे आ गए हम, अपनी आई पे आ गए, एल अब जो जो हमें ये डेफिनेशंस चाहिए होंगी, हम ये करेंगे कि उस डेफिनेशन को बाहर निकाल लेंगे। रेजिडेंट पर्सन, रेजिडेंट इंडिविजुअल, अब ये सारे रेजिडेंट कंपनी, ठीक है। तो सबसे पहले पर्सन पे जाएंगे, और इस डेफिनेशन को उठा के हम बाहर ले आएंगे। तो जनाब, एक बात ये आप देख रहे हैं कि ये सेक्शन टू के साथ जगह जगह हमने लिखा हुआ था, पर्स डेफिनेशन इन दिस ऑर्डिनेंस अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी जगह पे कोई चीज इससे मुख्तलिफ लिखी हुई है, तो वहां पे वो डेफिनेशन लगेगी, वरना हर जगह ये डेफिनेशन लगेगी,
ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम उठा के बाहर ले आए, ये लीजिए जी, पहली डेफिनेशन तो होगी पर्सन की। वो कहता है द पर्सन मीन्स अ पर्सन एज डिफाइंड इन सेक्शन 80। ठीक हो गया, पर्सन सेक्शन 80 में डिफाइन हुआ हुआ है, हम वहां जाके देखेंगे कि पर्सन कौन है। अच्छा, पर्सन के साथ हमने अभी रेजिडेंट पर्सन, रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये भी डेफिनेशंस अभी आपको नजर आई थी ना। क्यों भाई जवानों इतनी खामोशी क्यों है? हाँ जी, ये क्या है? ये है रेजिडेंट कंपनी, ठीक है। सो इसको हम यहाँ सेव कर लेते हैं। यस सर। अच्छा, इसी तरह ये पढ़ने का तरीका होता है हर एक का अपना अपना, तो आपको अगर ऐसे इजी लगता है ऐसे कर लें, लेकिन जब खुद मेहनत करेंगे तो थोड़ा सा अल्लाह ताला भी आपको बरकत अता फरमाएगा। अब रेजिडेंट इंडिविजुअल मीन्स एन इंडिविजुअल, ये वाला 82 में जो डिफाइन हुआ हुआ है, ये भी हम उठा के बाहर ले आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यस सर। उसके बाद अब हम देखते हैं कि रेजिडेंट इंडिविजुअल के बाद रेजिडेंट एओपी है, रेजिडेंट पर्सन आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद रेजिडेंट टैक्सपेयर भी आ गया, ठीक है। उसके बाद ठीक हो, तो रेजिडेंट से मुतल्लिका सारी डेफिनेशंस हमने यहां जमा कर ली। कहां जमा कर ली? यहां जमा कर ली। और इसको मैंने ऐसे उठाया, इसको मैंने कॉपी किया, मैं इधर आया, यहां पर मैंने ये खोला आपका क्लासरूम, और क्लासरूम में मैंने रेजिडेंट की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पोस्ट कर, ये लीजिए, डन। यस सर। अब आ जाए हम इसे पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ भी नहीं है, वो बाथरूम की जो दीवारें थी कल जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये वो दीवारें। द रेजिडेंट कंपनी मीन्स द रेजिडेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 82। क्या है 82 में? रेजिडेंट इंडिविजुअल। 81 में क्या है? रेजिडेंट पर्सन, ठीक है। और रेजिडेंट टैक्सपेयर मीन्स पर्सन हु इज अ रेजिडेंट पर्सन, टैक्सपेयर हु इज अ रेजिडेंट पर्सन। तो रेजिडेंट टैक्सपेयर हर वो बंदा जो रेजिडेंट टैक्स, जो रेजिडेंट पर्सन है वो रेजिडेंट टैक्सपेयर भी है। इज इट क्लियर? हर वो बंदा जो रेजिडेंट पर्सन होगा वो रेजिडेंट टैक्सपेयर भी होगा। अब लेकिन रेजिडेंट पर्सन कौन होगा जो सेक्शन 81, 82 और 83 में डिफाइंड हुआ हुआ? कहाँ कहाँ हुआ हुआ है? 81, 82 और 83 में। क्योंकि जो रेजिडेंट पर्सन है उसकी तीन हिस्से हैं, रेजिडेंट कंपनी भी हो सकती है, रेजिडेंट इंडिविजुअल भी हो सकता है, रेजिडेंट एओपी भी हो सकती है, रेजिडेंट गवर्नमेंट्स भी हो सकती हैं, तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिटिकल सबडिविजन्स भी हो सकती हैं, सो फॉरेन गवर्नमेंट की। सो अब हम जाके 81, 82 और 83 देखेंगे कि उसमें कौन है बंदा जो कि रेजिडेंट हो सकता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम सेक्शन 81 पे चलते, हाँ जी, ये क्या लिख रहा है?
ये है डिवीजन टू किस चीज की डिवीजन टू चैप्टर, ये देखिए चैप्टर फाइव प्रोविजंस गवर्निंग पर्संस पार्ट वन सेंट्रल कंसेप्ट डिवीजन वन पर्संस। ये अपने पास चाहे नोट करना चाहे नोट कर लें, वरना ये जब भी आप टैक्स लॉ खोलेंगे तो आपको ये पता होगा जब सेक्शन 80 में जाएंगे तो ये चैप्टर फाइव है प्रोविजंस गवर्निंग पर्संस। ये देख रहे हैं आप, ये नजर आ रहा है? यस सर। ठीक हो गया जी सर। तो ये अब पर्सन को हम पढ़ने लगे हैं। इसका ये डिवीजन टू है, ये रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन को डील करता है। वैसे तो पर्सन जो है वो सेक्शन 80 में डिफाइन हुआ हुआ, ठीक है। सेक्शन 80 में अगर हम जाएं ये चैप्टर फाइव प्रोविजन गवर्निंग पर्सन पार्ट वन सेंट्रल कॉन्सेप्ट डिवीजन वन पर्सन। अब पर्सन पे आ जाए, सबसे पहले पर्सन है कौन कौन, मैंने आपको बता दिया था पर्सन कौन कौन है, बताया था? यस सर। रेजिडेंट, इंडिविजुअल, कंपनी। इंडिविजुअल है, कंपनी है, गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, कंपनी और एओपी, ठीक है ना? इंडिविजुअल, कंपनी, एओपी और गवर्नमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ, फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज persons फॉर द purpose ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, namely एन इंडिविजुअल। ठीक हो गया, ए कंपनी और एसोसिएशन ऑफ persons incorporated, formed, organized or established in Pakistan or elsewhere। ए कंपनी या एसोसिएशन जो इनकॉर्पोरेट हुई हो, फॉर्म हुई हो, ऑर्गेनाइज हुई हो या एस्टैब्लिश हुई हो पाकिस्तान में या कहीं और पाकिस्तान से बाहर, फेडरल गवर्नमेंट, ए फॉरेन गवर्नमेंट, ए पॉलिटिकल सबडिविजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पीआईओ, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन मेन सब डिविजन्स हैं पर्संस। गवर्नमेंट्स को एक साइड पे कर दिया, कंपनी या आप सेमी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट सेक्टर को एक साइड पे कर दिया और इंडिविजुअल को एक साइड पे कर दिया। अब कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, एओपी क्या है? अब एओपी यहां डिफाइन हुई है, ये देखें क्या है एओपी। एओपी इंक्लूड्स अ फर्म, फर्म कौन सी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन एंड अ बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म अंडर अ फॉरेन लॉ बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी, बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। अच्छा जी, सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या क्या चीजें शामिल हैं? फर्म शामिल है पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आपको पता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है? नो नहीं। अच्छा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये होती है कि हिंदुओं में कारोबार एक खानदान के अंदर जब शुरू करते हैं वो, तो खानदान का जो सबसे बड़ा होता है वो कारोबार को चलाने का जिम्मेदार होता है। किसी एक को वो बड़ा बना लेते हैं या वैसे सबसे बड़े बेटे को वो बना लेते हैं, वो बेटा जो है वो कारोबार रन करता है, बाकी भाई उसके साथ देते हैं। बड़े बेटे को कहते हैं कर्ता, या जो करने वाला, जो उसको मैनेज करने वाला होता है कारोबार को, उसको कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता, हाँ, कर्ता मींस के वो करने वाला सारी चीजें। और जैसे जैसे ये कारोबार बढ़ता जाता है खानदानों में, तो कर्ता वहां का वहीं रहता है, लोग ऐड होते रहते हैं, ठीक है। एपरेंटली ऐसे लगता है जैसे कोई पार्टनरशिप चल रही है, लेकिन ये पार्टनरशिप नहीं है, इसको एक अलग डिवीजन दी गई है और उसको कहा गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें होता क्या, खानदानी कारोबार है और उसमें फॉर एग्जांपल जैसे फर्ज कीजिए कि मोमिना के दो या तीन भाई हैं जो भी हैं। अब मोमिना के वालिद साहब ने कारोबार शुरू किया, वो कर्ता बन गए और भाई जो हैं उसके पार्टनर्स बन गए।
अब भाइयों के आगे दो दो तीन तीन बच्चे हो गए, वो उस कारोबार में आके हिस्सेदार हो गए, लेकिन मोमना के वालिद ही करता रहे, मोमना भी हिस्सेदार है, मोमना के बच्चे भी हिस्सेदार हैं, वो जो मोमना के भाई हैं उनके बच्चे भी हिस्सेदार हैं, सारे हिस्सेदार हैं, और ये फैलता जा रहा है फैलता जा रहा है, लेकिन करता अपनी जगह, ठीक है, कारोबार अपनी जगह, डिविजन होती चली जा रही है। तो इसको कहते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे अनडिवाइडेड कह रहे हैं उसमें डिविजन जरूर होती है, लेकिन कारोबार वहां का वहीं रहता है, कारोबार में हिस्से बढ़ते जाते हैं लेकिन कारोबार को डिवाइड नहीं किया जाता। इसे कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो फैमिली मिलके कारोबार कर रही होती है। यहां तक बात समझ में आ गई? जी सर। जी सर, ये है सर, ये करता चेंज नहीं होता, मर जाएगा तो चेंज ही होगा ना, फिर नया चूज कर लेंगे। अच्छा सर, फिर कौन होगा जो सबसे बड़ा होगा? जी बिल्कुल, ठीक है ना, जिसे वो चूज करेंगे। अच्छा सर, इसमें ये शर्त नहीं है कि बड़ा हो, मतलब जिसको भी नॉमिनेट किया जाए यार, अब ये इतना मेरे ख्याल में वो बड़े को भी देखा जाता है, बड़े की जो है वो ज्यादा होती है उसमें, जो मतलब वेट या कह लें उसकी जो राय की अहमियत ज्यादा होती है। दूसरे जिस तरह आप ये देखें ना कि वो सक्सेशन प्लानिंग तो वो भी करते हैं, तो जब वो सक्सेशन प्लानिंग करते हैं तो जो सबसे ऊपर होता है उससे नीचे भी तो कोई काम कर रहा होता है ना, जो सेकंड इन कमान होता है, तो जब फर्स्ट इन कमान जाता है तो सेकंड इन कमान को अप, वो जो है एलिवेट कर देते हैं ऊपर। जी ठीक है सर। ठीक है, अच्छा, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन कौन है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन वो लोग हैं जो के जिनको आप यूं समझ लीजिए कि जो किसी लॉ के जरिए वजूद में आए होते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी जो है वो लॉ के जरिए क्रिएट की होती है। जैसे एक यूनिवर्सिटी है, उसको एक चार्टर के जरिए बनाया जाता है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। या ये आप समझ लें कि जैसे ये जो है मतलब इसी तरह की और चीजें, बाज दफा जो है वो मतलब हम इसे कह देते हैं कि जैसे ये कब्रे शबरे लेके बैठे हुए हैं, पीर वफाक, ये क्या कहलाता है यार, ये इसके अंडर होती हैं ये कबूर शबूर जो होती हैं, ये पीरों के मदारात, कौन सा डिपार्टमेंट होता है वो, मेरे जहन से निकल रहा है, चलो एनी हाउ, तो वो सारे ये एक पर्सनैलिटीज हैं। ये जो लॉ के जरिए कोई पर्सनैलिटी क्रिएट हो तो वो क्या होती है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। और इसकी मिसाल मैंने आपको दे दी, जैसे कि मिसाल आपको यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एक चार्टर के जरिए एक लॉ के जरिए क्रिएट होती है, उनकी कॉमन सील होती है, तो दे आर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। और अदर बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म अंडर एनी फॉरन लॉ, अगर फॉरन लॉ में जाके कोई है कोई चीज बॉडी ऑफ पर्सन वहां पे, जैसे लिमिटेड पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप है बाहर के किसी लॉ के तहत बनी है, तो वो भी जो है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाएगी, लेकिन इसमें कंपनी शामिल नहीं है, कंपनी को स्पेसिफिकली एक्सक्लूजन प्रोवाइड की है। तो अब आगे आ जाए जनाब, आगे क्या है, कंपनी, कंपनी जो है इसमें, अच्छा एक बात याद रखिए कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप में से कुछ लोग जो थोड़े पढ़ने वाले हैं वो मुझे कहेंगे जी ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 तो अब खत्म हो गया, अब तो कंपनीज एक्ट 2017 है, तो ये क्यों आप यहाँ पे रेफरेंस चेंज नहीं हुआ। तो ये बात याद रखें कि हमारा एक लॉ है उसे कहते हैं जर्नल क्लाजेज एक्ट, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर किसी लॉ में कोई चेंज हो जाती है या कोई लॉ चेंज हो जाता है और किसी दूसरे लॉ में वो लॉ रेफर्ड है, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि वो चेंज वहां हो गई, चाहे वो चेंज वहां हुई हो या ना हुई हो, बट इट इज अज्यूम कि वो लॉ अब नए लॉ को रेफर कर रहा है। ठीक हो गया। सो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनी वो है जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में डिफाइन की है, अब चूंकि वो चेंज हो गया है वो 2017 है, तो कंपनी मींस अ कंपनी एज डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। ठीक हो गया। यस सर।
अच्छा जी आगे आए। उसके बाद वो कहता है कि कंपनी में और क्या चीज शामिल है, ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इनफोर्स इन पाकिस्तान। कोई बॉडी कॉर्पोरेट यानी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट आपने फॉर्म किया बाय अंडर एनी लॉ इन पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल आप किसी भी किस्म की कॉर्पोरेशन फॉर्म करते हैं, बॉडी फॉर्म करते हैं, पीटीवी है, दूसरी तीसरी चीजें हैं, तो वो बाय और अंडर एनी लॉ वो कंपनी की डेफिनेशन है। सर सर वो माजरत, ये पहला पॉइंट ना बड़ी वाज डिस्टॉर्ट हो रही थी नेट की वजह से। ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आपने बताया था कि कंपनीज एक्ट आ चुका है और ये हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं ये बता देंगे जरूरत पर। देखो मैं आपको ये बता रहा था कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अब कम इस टाइम आ गया कंपनीज एक्ट 2017, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि कंपनी एज डिफाइंड, कंपनी मींस अ कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। तो अब सवाल करने वाले सवाल करेंगे कि यार ये तो पुराने लॉ को रेफर कर रहा है, अब तो लॉ नया आ चुका हुआ है, तो जर्नल क्लॉजेज एक्ट एक लॉ है। क्या है लॉ? हाँ, जर्नल क्लॉजेज एक्ट ये कहता है कि अगर किसी लॉ में कोई लॉ रेफर हुआ हुआ हो, जैसे यहाँ पे कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 रेफर हुआ हुआ, ठीक है, और वो जो रेफर्ड लॉ है वो चेंज हो जाए, यानी ये 1984 का कंपनीज लॉ अब रिपील हो गया और कंपनीज एक्ट 2017 आ गया, तो इट विल बी डीम्ड के वो यहाँ पे चेंज हो चुका और ये जो रेफरेंस है इट इज द रेफरेंस टू द न्यू लॉ। ओके सर, ओके हो गया। सो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये रेफरेंस ऐसे ही है जैसे कंपनीज एक्ट को। सो कंपनी, वो कहता है कि कंपनी का मतलब है कि कंपनीज ऑर्डिनेंस एज, कंपनी मींस अ कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है क्योंकि ये मीन से शुरू हो रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो पाकिस्तान में अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स कायम हुई हो वो है मुदारबा। मुदारबा कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत आता है। एनी बॉडी, ए बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, यानी पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड में, अमेरिका में अगर कोई लॉ कंपनीज की फॉर्मेशन को डील करता है, उस लॉ के तहत अगर कोई बॉडी इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो भी कंपनी ट्रीट होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी, कोई भी अगर सोसाइटी है वो कंपनी डील होगी। एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी डील हो, कंपनी ट्रीट होगी, ठीक है, डील नहीं होगी, ट्रीट होगी, सॉरी। अ ट्रस्ट, एन एंटिटी और बॉडी ऑफ पर्सन एस्टैब्लिश्ड और कंस्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स, ठीक है, ट्रस्ट या कोई बॉडी ऑफ पर्सन एस्टैब्लिश्ड और कंस्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर दैट पर्पस, वो भी कंपनी ट्रीट होगा। तो कंपनी जो है वो मतलब सिर्फ कंपनी नहीं है, उसमें ये तमाम चीजें भी आ जाती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें भी उसमें आ जाती हैं। सो ये अब हमने इंडिविजुअल भी पढ़ लिया कि एक इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल ही है, एओपी भी पढ़ ली और कंपनी भी पढ़ ली, ठीक हो गया। अब यहां तक अगर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, अब गवर्नमेंट्स रह गई, गवर्नमेंट तो सीधी सीधी है, फेडरल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिफाइन हुई हुई है, फॉरेन गवर्नमेंट, नेशनल पॉलिटिकल सब डिविजन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट, ये सारी चीजें जो हैं ये कंपनी का हिस्सा है, सॉरी उसका पर्सन की ये कैटेगरी है, नॉट कंपनी का हिस्सा, पर्सन की कैटेगरी है। इसी तरह इंडिविजुअल भी पर्सन की एक कैटेगरी है और कंपनी और एओपी भी पर्सन की एक कैटेगरी है। तो यहां तक अगर आपको कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, समझ भी आई है या ऊपर से गुजर गया, मुश्किल लग रहा है या क्या है? मुश्किल है सर। मुश्किल है, चलो कोई बात नहीं, इसको अब आप लेक्चर को बार बार सुनेंगे तो उससे ये होगा कि आपको ईज आउट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वो आगे क्या कहता है,
आगे कहता है अभी कंपनी खत्म नहीं हुई है, देखें ये यहां तक हम वी बी तक आए हैं, यानी 5 के B तक। ठीक है सर, रमजान में थोड़ा सा प्लीज कोर्स कम करें, बाकी टीचर्स ने भी किया है, टाइम में भी और कोर्स में भी मैं क्या करूं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फाड़ के फेंक दूं क्या करूं जो सर वो कट ऑफ कर दें, कितनी होता क्या हुआ थोड़ा सा कम पढ़ा दें क्लासेस ना सर, सब टीचर्स ने मैक्सिमम 1 आवर की कर दी है सर। वो ठीक है कर दी होंगी, मैं भी 1 आवर ही पढ़ाता हूँ, मैं आपको कौन सा कोई 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ, 1.25 आवर पढ़ाता हूँ और क्या, बाकी तो 15-20 मिनट हाजिरी लेने में गुजर जाते हैं आपके। अच्छा खैर एनी हाउ, अभी इसको जरा देख लो, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, आपकी टोटल इनकम टैक्स का नॉलेज इन 4-5 सेक्शन पे डिपेंड करेगा, जिस तरह वहां पे सेक्शन 7, 8 और 9 पे डिपेंड करता था, इसी तरह सेल्स टैक्स में, इसी तरह यहाँ पे इन 1-2 सेक्शंस पे आपका तमाम नॉलेज डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा ए फॉरेन एसोसिएशन क्या है, ए फॉरेन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, विच द बोर्ड सेज बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर टू बी ए कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। बोर्ड जो है किसी भी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन को या एसोसिएशन को जो है वो थ्रू जर्नल या स्पेशल ऑर्डर कंपनी डिक्लेयर कर सकता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अब ये देखें ये मजे की बात, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंपनी है, क्या है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्या है कंपनी, लोकल गवर्नमेंट क्या है कंपनी, हाँ, और स्मॉल कंपनी तो वैसे ही कंपनी है। अब यहां पे रुक जाइए, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट अगर कंपनी है तो फिर इसे ऊपर गवर्नमेंट की डेफिनेशन जो थी उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सबडिविजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है नजर आ रहा है जी, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट शामिल नहीं है, नहीं है। ठीक है, और वो किस में शामिल है, वो कंपनी की डेफिनेशन में शामिल है यहां पर। सर एक दफा फिर से ऊपर कीजिए, इस डेफिनेशन में प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट शामिल नहीं है, नहीं है। ठीक है ठीक और वो यहाँ पर शामिल है। अच्छा अब आपने एक चीज और भी देखी थी कि जब हमने एओपी की डेफिनेशन पढ़ी थी, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये क्या है इंक्लूसिव डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन क्या है, ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। ठीक है, अब इंक्लूसिव डेफिनेशन में हमने पढ़ा था एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स अ फर्म, ठीक है ऐसा ही है जी सर जी। अब आपको मैं एक और चीज दिखाने लगा हूं, यहां पे हमने एक चीज ये लिखी हुई पढ़ी थी, हर जगह ये सेक्शन 2 में लिखी हुई है, इन दिस ऑर्डिनेंस अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, ये लिखा हुआ है कि अगर किसी और जगह कुछ और डेफिनेशन दी हुई है तो वो लगेगी वहां पे, वरना ये लगेगी। तो यहाँ पे अगर आप आए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब जब हमने ये गवर्नमेंट्स पढ़ ली तो इसके नीचे उसने लिखा हुआ है ए फर्म मीन्स द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. ये याद है किसी को, कहाँ पढ़ी थी हमने, सर कंपनी एक्ट में पढ़ी होंगी, और तुम्हें मैंने कंपनी एक्ट पढ़ाया, पार्टनरशिप एक्ट, हाँ जी ये वो डेफिनेशन बोरो हुई भी है यहाँ पे। ठीक है सो ये हम अब वो देखे ना, जब हमने ये कहा यहाँ पर के इट इंक्लूड्स अ फर्म, हाँ तो उन्होंने अब बता दिया कि फर्म कौन सी है,
ये नजर आई फर्म कौन सी है? फर्म मीन्स द रिलेशन बिटवीन द पर्संस, पार्टनरशिप है सीधे सीधे लफ्जों में। वो कहते हैं ना बड़े होटलों में जाओ, वो कहते हैं क्या बना हुआ, कहते हैं सर व्हाइट सॉस के साथ आपको हम देंगे जूस की टोमेटोज और ये, वो सीधी खिचड़ी बना के ले आते हैं। तो ये वो फर्म जो है, ये पार्टनरशिप, ये सारा लिखा हुआ है कि जो दो या दो से ज्यादा बंदे अगर प्रॉफिट कमाने के लिए इकट्ठे हुए हों तो ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे जब हम कंपनी पढ़ रहे थे तो उसने एक चीज लिखी थी, ए ट्रस्ट लिखा था। ट्रस्ट की डेफिनेशन उसने यहां दी हुई है। उसने कहा जी ट्रस्ट मीन्स एन ऑब्लिगेशन एनेक्स्ड टू द ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन एंड एक्सेप्टेड बाय द ऑनर और डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द ऑनर of the benefit of the other or of the benefit of another and the owner and includes a unit trust. अब यहाँ पे एक और चीज आ गई, वो दीवार के ऊपर ना दाएं देखें बाएं देखें, उसने कहा होता ट्रस्ट होता क्या है? देखें ट्रस्ट ये होता है कि जब किसी भी बंदे के अंदर आप ट्रस्ट करें, किसी भी बंदे के ऊपर आप ट्रस्ट करें फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑनर ऑफ द ट्रस्ट। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रस्ट बना देता हूँ कि यार तुम जो है ना मेरे बच्चों की जो है वो ख्याल रखना, और ये पैसे जो हैं ये मैं ट्रस्ट में डाल रहा हूँ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसको जो है वो मेरे बच्चों के बेनिफिट के लिए, इसे कहते हैं प्राइवेट ट्रस्ट। एक होता है पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट क्या है कि मैं लोगों की भलाई के लिए कोई रिलीजियस काम के लिए मस्जिद बना रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ तो मैं एक ट्रस्ट खड़ा कर देता हूँ, और वो ट्रस्ट जो है उस ट्रस्ट में बोर्ड बना देता हूँ, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं, वो उनको इंट्रस्ट करता हूँ मैं कि वो फॉर द पर्पस ऑफ द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी एक मस्जिद बनाएंगे रिलीजियस के फैलाने के लिए, और वहाँ पे वो उसको मैनेज भी करेंगे, ठीक है। तो वो पब्लिक ट्रस्ट। तो ट्रस्ट का मतलब क्या है कि मैंने किसी पे जिम्मेदारी दी एज एन ऑनर ऑफ द ट्रस्ट कि ये मेरे बेनिफिट के लिए या किसी दूसरे बंदे के बेनिफिट के लिए जो है वो प्रॉपर्टी को संभाल के रखें, ठीक है, उसका सही इस्तेमाल करें उस मकसद के लिए जो कि मैंने उन्हें बताया, ठीक हो गया। ये बात समझ आई या नहीं? और आज हम सिर्फ इसी सेक्शन तक पढ़ेंगे और यहीं पे खत्म करेंगे। हाँ भाई, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। सर अटेंडेंस लगा दें, सर अटेंडेंस लगा देते हैं, लेकिन पहले यूनिट ट्रस्ट पढ़ लो ना, वो यूनिट ट्रस्ट भी तो उसने कहा था उसमें करें सर। वो यार तुम आधा सेक्शन क्यों छोड़ते हो बेवकूफ की तरह, ये देखो ये पढ़ो पहले। जब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, खुद छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये पढ़ा के मैं छोड़ दूंगा तो फिर सुनो तो सही ना। यूनिट ट्रस्ट जब दूसरे वाला ना छोड़ दें आप हमें, छोड़ के ना चले जाना, रहो खुश रहो खुश रहो। अच्छा, यूनिट ट्रस्ट का मतलब है मींस एनी ट्रस्ट अंडर विच बेनिफिशियल